हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम। और लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे कैपिटल बजटिंग वाले क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आज के सेशन में कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। अगर आपको कोई भी डाउट्स पूछने हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर अनु जिंदल के नाम से। वहां पे आप किसी भी फैकल्टी से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से anujindal.in पे जाइए, वहां जाके ईएसआई पे जाके इनरोल कर लीजिए और उस कोर्स में सारी ही वीडियोस और पीडीएफ टॉपिक्स की आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इफ दी। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फिर आपको रिमाइंड करा दूं, आपको करना क्या है, एक कॉपी या पेज लेके बैठना है जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं। 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चंस में से जितने भी सही होंगे वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपका वीक है, तो आपको इसे दोबारा जाके रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल कैश आउटफ्लो इज ₹15,000 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो इज 14,000, व्हाट इज एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन दिया गया है। एनपीवी निकालना है हमें, आउटफ्लो दे रखा है और इनफ्लो दे रखा है। बस अब बेसिक क्वेश्चन हमारा माइंड में अराइज होता है कि भाई एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, क्या आउटफ्लो माइनस इनफ्लो है या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो है। अगर आपको ये याद है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। कंफ्यूजिंग किस पे, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि भाई हमारा एनपीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होता है। देखो, याद रखने का तरीका, इनफ्लो हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे को रिटर्न ज्यादा आएगा, ठीक है ना, तभी तो एनपीवी पॉजिटिव होगा, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो कितना दिया हुआ है हमें, इनफ्लो दिया गया है 14,000 रुपीज का और आउटफ्लो कितने का दिया गया है, 15,000 रुपीज का। तो ये अमाउंट कितनी आ गई, माइनस की 1,000, मतलब हमारा एनपीवी कितना आ रहा है, -1,000 रुपीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, -1,000 रुपीज। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹8 लाख एंड अ लाइफ ऑफ 5 ईयर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग कैश इनफ्लो ऑफ ₹2 लाख पर एनम, व्हाट इज द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होगा, सम सिंपल से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पे बैक पीरियड की हमें ईयर्स बताने हैं। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर, पे बैक पीरियड क्या होगा इस क्वेश्चन का। और आपको रिमाइंड करवा दूं और रिवाइज करा दूं कि आपको याद हो तो हमने अकाउंटिंग के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर आपने रिवाइज नहीं करे हैं वो। और अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक एक करके क्वेश्चंस उठा, एक एक टॉप टॉपिक और चैप्टर्स उठा रहे हैं और उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल बजटिंग चल रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उठा लूंगा, जो कि हम नेक्स्ट वीक थर्सडे को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग दे रखी है, मतलब 8 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट दे रखी है और 5 ईयर टाइम बताया गया है और बोला गया है इनफ्लो है 2 लाख रुपीज पर एनम का, व्हाट इज पे बैक पीरियड। तो हमें पे बैक पीरियड निकालना है। तो देखो, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो।
टोटल आउटफ्लो कितना है 8 लाख रुपीज का, है ना, और इनफ्लो कितने का है 2 लाख रुपीज का। तो पे बैक पीरियड कितना आ गया 4 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 ईयर्स। देखो जो 5 ईयर्स दे रखा है बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें उस पर फोकस नहीं करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 4 ईयर्स। और 4 ईयर्स का मतलब क्या है कि जो अमाउंट हमने स्टार्टिंग में 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट करी है वो हमें 4 साल तक हमें रिकवर हो जाएगी, 4 ईयर्स के अंदर अंदर हमें रिकवर हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारा ये तो हमारा क्या था, इक्वल कैश इनफ्लो, अगर इररेगुलर कैश इनफ्लो होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बना के क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बना लेते हैं। तो रिवाइज कर ले साथ साथ कि क्यूमुलेटिव बना लेते हैं अगर इररेगुलर कैश इनफ्लो होता है, तो उधर से हम पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्ट हैज अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 1.3, व्हाट डज इट मीन। एक प्रोजेक्ट है जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.3 का, इसका मतलब क्या है, दैट एनपीवी इज लेस देन 0, दैट पे बैक पीरियड इज मोर देन 1, दैट द प्रोजेक्ट रिटर्न रुपीज 1.3 फॉर एवरी वन इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, एंड दैट द IRR इज 1.3 टाइम्स द हर्डल रेट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.3 का मतलब क्या है, तो पहली बात प्रोफेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है, प्रोफेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है सर, प्रोफेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल हमारा क्या है प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू या फिर इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही फॉर्मूला होता है हमारा, इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये तो फॉर्मूले की बात हो गई, अगर इसकी वैल्यू 1.3 आई तो इसका मतलब क्या है, क्या एनपीवी हमारा लेस देन 0 है। देखो जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा 1.3 आ गया, मतलब ऑब्वियस की बात है जो कैश इनफ्लो होगा, जो कैश इनफ्लो होगा वो हमारा बड़ा होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से या फिर आउटफ्लो से, मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बड़ा है, मतलब इनफ्लो बड़ा है आउटफ्लो से, जब इनफ्लो इनफ्लो बड़ा होगा आउटफ्लो से तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव आएगा, ना कि लेस देन 0। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, दैट पे बैक पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, क्या पे बैक पीरियड हमारा 1 साल से ज्यादा है, ऐसी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही इनफ्लो इनफ्लो कितने टाइम में हो रहा है, तो ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि इनफ्लो भाई 1 ही साल में हो रहा है 2 साल में हो रहा है, तो ये भी गलत आंसर है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दैट द प्रोजेक्ट रिटर्न्स रुपीज 1.3 फॉर एवरी वन इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, और यही मेरे को क्या लग रहा है करेक्ट ऑप्शन। देखो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे 100 रुपीज और हमारा अगर इनफ्लो होगा 130 का, मतलब अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 130 रुपीज मिल रहे हैं, इनफ्लो आ रहा है, तो यही आ गया हमारे पास हमारा प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.3, मतलब अगर हम 1 रुपए इन्वेस्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट में तो हमें 1.3 का इनफ्लो होगा, ठीक है, यही हमारा प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी दैट द प्रोजेक्ट रिटर्न रुपीज 1.3 फॉर एवरी रुपीज 1 इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। और लास्ट क्या दे रखा है, IRR इज 1.3 टाइम्स द हर्डल रेट, तो हर्डल रेट का तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं आता, हर्डल रेट क्या होता है कि जो मिनिमम हमने बेंचमार्क डिसाइड कर रखा होता है कि जिससे ऊपर हमें IRR ले जाना है, तो वो कोई पॉइंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी दैट द प्रोजेक्ट रिटर्न्स इज रिटर्न्स रुपीज 1.3 फॉर एवरी 1 इन्वेस्टेड, मतलब अगर हम 1 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इनफ्लो होगा 1.3 रुपीज का, ठीक है। और चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्म एक्सपेक्ट्स एन एनपीवी ऑफ ₹10,000 इफ एन इकोनॉमी इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, दैट इज 30% प्रोबेबिलिटी, एन एनपी ऑफ 4,000 इफ इकोनॉमी इज नॉर्मल 40% प्रोबेबिलिटी, एनपीवी ऑफ 2,000 इकोनॉमी इफ एक्सेप्शनली वीक 30% प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है, अगर मैं लॉजिकली देखूं तो ये क्वेश्चन हमारा कैपिटल बजटिंग का है ही नहीं, ये क्वेश्चन हमारा कैपिटल बजटिंग का है नहीं, ये बस हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उसका हमें एवरेज निकाल देना है। तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन,
अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कई बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आई। तो भाई अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो हम जो हमारे हाथ में काम है, मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करा, जो हमारे हाथ में है हम उस पर फोकस करेंगे। हम रेगुलरली अपनी तैयारी को अपडेट रखेंगे ताकि जब भी पेपर आए हम अच्छे से उस पर स्कोर कर सकें और क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आपका काम क्या है, सिर्फ वीकली एक या दो तीन वीडियोज है वो देखनी है और चेक करना है कि आपको वो टॉपिक आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब इसका आंसर देखो। देखो अगर एनपीवी हमारा 10,000 होगा, अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन ये स्ट्रांग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। ये हम बना कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। अगर एनपीवी होगा 4,000 होगा कब, जब हमारी इकोनॉमी नॉर्मल होगी, और नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4। वहीं एनपीवी होगा हमारा 2,000 रुपीज, और जब हमारी इकोनॉमी होगी वीक, और वीक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसका एवरेज निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 3,000 रुपीज। 4 4 16, तो ये आ जाएगा 1,600 रुपीज, और 3 2 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 600 रुपीज। इसका सम कर देंगे 5,200, 5,200, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे एक्सपेक्टेड एनएवी क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 5,200। ये सिर्फ हमने स्टेटिस्टिक्स करी है, कोई कैपिटल बजटिंग नहीं करी, कि हम जब हम क्या करते हैं अपने रिटर्न्स को अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अपने रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक चीज और, ये हमेशा हमारा जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और नहीं आ रहा तो मतलब आपने कुछ गलती कर दी कॉपी करने में, तो दोबारा देख लेना क्वेश्चन को। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ए आर आर इज कैलकुलेट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड कर जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लो। ठीक है, जल्दी से आंसर दो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इन 200, एवरेज एनपीवी अपॉन में इन्वेस्टमेंट इन 200, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन 200, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन 200। इनमें से कौन सा हमारा सही फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, एआरआर निकालने का। बहुत ही सिंपल सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है एआरआर का। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, हर बार की तरह जिसका आंसर आपको मुझे कहां देना है, कमेंट बॉक्स पे। विच मेथड ऑफ द कैपिटल बजटिंग कॉल्ड द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो एक स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन हो गया, किस मेथड को हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। इन चारों में से, पे बैक पीरियड मेथड को, एनपीवी मेथड को, पे आउट पीरियड मेथड को, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को, किस मेथड को हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं, ये आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को फिर से 2 बजे एफएम के एमसीक्यूज के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।